हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए दो क्वेश्चन लेकर आए हैं और वो आईआईटी ओरिएंटेड, आईआईटी मेन और एडवांस के लिए हैं। अब बच्चा आईआईटी एडवांस या आईआईटी मेन का नाम लेते ही कैसे घबराता है, तो बच्चों पहला क्वेश्चन नंबर मैं पहले नीचे वाला लेता हूँ ताकि उसको मैं रब कर पाऊँ। वो कहता है इफ़ द फंक्शन एफ 0 से 4 और ये जो है जा रहा है R, इसका डोमेन 0 से 4 है और इसका को डोमेन कैपिटल R है, रियल नंबर है, इट डिफरेंशियबल। देन शो डैट फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू 0 to 4 और ये बच्चों शो करना है। अब बच्चों बच्चा ये सोचता है कि ये क्वेश्चन होगा कहाँ से, ये फंक्शन में से क्वेश्चन होगा और ये कहीं कर्ली ब्रैकेट जो हैं कहीं फ्रैक्शनल पार्ट तो नहीं है, ये कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट नहीं हो सकते अनलेस एंड अनटिल जब तक कि क्वेश्चन में बताया ना गया हो। और ये एच ही कहाँ से आएगा, एफ बी कहाँ से आएगा और ए कोमा बी बिलोंग्स टू क्या करता है 0 to 4 करता है। तो बच्चों देखो सबसे बड़ी बात ये है, ये फंक्शन जो है ना डिफरेंशियबल दे रखा है। क्या देखा है? डिफरेंशियबल। तो जब भी कोई फंक्शन हमें डिफरेंशियबल दे रखा हो ना तो दो कंडीशन तो सेटिस्फाइड अपने आप हो जाती हैं कि एवरी डिफरेंशियबल फंक्शन क्या होता है बच्चों, कंटिन्यूस होता है। अब जो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है और कंटिन्यूस भी है और यहाँ पर कोई इनक्वालिटी वगैरह भी नहीं है, इक्वालिटी है, तो बच्चों इसका मतलब यह है कि LMVT हमारे लिए तैयार हो गई है। तो पहला क्या है, FX इज कंटिन्यूस, ठीक है ना हारिका, FX जो है बेटा कंटिन्यूस है किसके अंदर 0 to 4 और FX जो है बच्चों डिफरेंशिएबल भी है। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, और वो किसके अंदर दे रखा है हमें 0 से 4। तो दोनों कंडीशन बच्चों लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम की सेटिस्फाइड हो गई। अब दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऑल टू कंडीशंस ऑफ LMVT इज सेटिस्फाइड, ठीक है। तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ नंबर, अब बच्चे कहते हैं यहाँ तो सी है नहीं। अब देखो बच्चों एफ डैश के साथ क्या आ रहा है, ए आ रहा है, ठीक है, तो नंबर ए कर देता हूँ और किसके बीच में, इन बिटवीन 0 and 4, सच दैट क्या होगा बच्चों। अब आप लोग जानते हो कि एफ डैश ए जो है बच्चों आपका क्या होता है, f(-f0)/4-0, यहाँ तक की बात समझ आती है आप लोगों को या नहीं अच्छी तरह। तो लैग्रेंजिस मीन वैल्यू थ्योरम लग गई, एक एफ डैश ए तो आ गया हमारा और f(-f0) भी हमारे पास आ गया बच्चों। तो कुछ कुछ हमें समझ आ रहा है और एक ये 4 भी नीचे आ रहा है, 4 इधर जाएगा और इधर हमारा क्या है बच्चों 8 है, और इसका मतलब ये a² - b² या x² - y² है, तो जिसमें से x - y का फैक्टर हमारे पास आ चुका है, एक x + y का फैक्टर और चाहिए। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब बच्चों आप लोगों को जब मैं कंटिन्यूटी करा रहा था तो एक मैंने आपको इंटरमीडिएट थ्योरम बताई थी। अब बच्चों ये जो f4 और f0 है बच्चों, ये जो फंक्शन है आपका कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो बच्चों एक वैल्यू देखो बच्चों, ये फंक्शन इस तरह है सपोज, तो एक वैल्यू जो है सपोज ये 0 है 4 है तो इसकी एवरेज पे भी एक वैल्यू पक्का मिलेगी, ठीक है, और वो वैल्यू कौन सी होगी बच्चों, बी। तो उस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, b = f(4+f0)/2, एवरेज इसी तरह निकलती है बच्चों। इस थ्योरम को बोलते हैं बच्चों इंटरमीडिएट थ्योरम, क्या बोलते हैं बच्चों, इंटरमीडिएट थ्योरम, ठीक है प्यारे बच्चों। अब बच्चों ये हमारा 1 आ चुका है और इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ ये हमारी इक्वेशन जो है क्या हमारी 2 है, ठीक है, और ए और बी जो है बच्चों जो वैल्यू थी वो किसके बीच में थी, इन बिटवीन थी, तो इस 4 को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये 4 हो गया और इस 2 को इधर ले जाता हूँ। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 8f - a * f b और ये आपका a - b है और a+b है, 1 और 2 को हमने क्या कर दिया, आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आपको मालूम है कि x - y और x + y होता है, तो ये क्या हो गया f(4)² और ये क्या हो गया f(0)². तो इस तरह ये क्या हो गया, क्वेश्चन प्रूव हो गया।
और क्वेश्चन होने के बाद कहते हैं इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या देखना है, उसको देखना है कि कह क्या रहा है, हो क्या रहा है। अब बच्चे जैसे एक मैं सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, उसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, तो उनके बीच में एक वैल्यू आएगी, वो क्या होगी, माइनस बी बाई टू ए होगी। वो आप सिक्स सेवन्थ नाइन्थ से करते आ रहे हैं, लेकिन अब उसको रोल थ्योरम आप लगाओगे तो उसके ऊपर रोल थ्योरम भी लग रही है। अब साइन एक्स ले लो कोई फंक्शन जीरो से पाई के बीच में, तो उसके अंदर भी रोल थ्योरम सेटिस्फाइड है पूरी की पूरी। और एफ अल्फा जो पिछला क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा था, एफ अल्फा और एफ बीटा क्या होता है, जीरो, तो रोल थ्योरम से माइनस बी बाई ए आएगा ही आएगा, हर हालत में आएगा। तो इस तरह क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया, यहाँ पर भी आपको डिफरेंशियबल दिया हो तो ये समझ लो कि लैग्रेंजियस मीन वैल्यू थ्योरम तो एप्लीकेबल है ही है। और यहाँ पर हमें क्या देखा है, एफ डैश ए, तो यहाँ पर सी नहीं लेना आपने, ए भी हो सकता है, किसके बीच में, ए नंबर जीरो और फोर के बीच में। और उसके बाद एक एवरेज एफ जीरो और एफ फोर की जो एवरेज है वो एक एफ बी तो पक्का आएगी आएगी, दैट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट थ्योरम। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप थोड़े से एनालिसिस लगाएंगे तो क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो जाता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर वन पे आते हैं, वन क्या कहता है, अब सोचो बच्चों इस वन क्वेश्चन नंबर वन के बारे में। हाँ जी माही, आप सोचो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। विराट आप भी सोचो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। गौतम आप सोचो कैसे करेंगे इसको। बच्चों मैं ब्लू पेन से कर देता हूँ। अब बच्चों क्या कह रहा है, इधर देखो, ए बी सी वी नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब बच्चे कहते हैं सर कि इंटीग्रेशन तो हमें आती नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इस क्वेश्चन को करके तो देखो बच्चों, क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व होगा। देखो बच्चों ये लिमिट जीरो से टू है, ये जीरो से वन है, और यहाँ पर प्रूव करना है कि ये जो वो है इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी जीरो विल हैव वन रियल रूट बिटवीन जीरो एंड वन एंड अदर रूट रियल बिटवीन वन एंड टू के बीच में दो रूट्स होंगे बच्चों, ठीक है। तो अब दो दो रूट कैसे आ सकते हैं, और एल एम वी टी के अंदर तो एफ डैश सी आता है, और पहली बात तो यहाँ पर आपको फंक्शन भी नहीं पता चल रहा फंक्शन क्या होगा, और दो रूट कैसे आएंगे सोचने की बात है, कुछ नहीं है बच्चों इस क्वेश्चन में। बच्चों सबसे पहले तो ये देखो, ये जो फंक्शन है आपका क्या है, यहाँ जीरो से वन दे रखा है, तो इसका मतलब आपको एफ वन जो है वो जीरो के इक्वल दे रखा है, और ये लिमिट जीरो से टू है तो ये हमें क्या दे रखा है, एफ टू भी क्या दे रखा है, जीरो के इक्वल दे रखा है। और यहाँ पर ये जो फंक्शन है आपका क्या है, जीरो से एक्स वन प्लस कोस एट एक्स अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स। तो ये बात समझ आई है नहीं, तो अब आपको बड़े आराम से ये बात समझ आ रही है कि एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन किसके बीच में बच्चों, जीरो एंड वन के बीच में भी है, और एफ एक्स जो है आपका कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल जो है किसके बीच में है बच्चों, वन और टू के बीच में भी है। इन दोनों कंडीशन को मैंने एक साथ लिख दिया। अब देखो बच्चों यदि यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर मैं एक्स का जीरो रख दूँ तो एफ जीरो की वैल्यू भी क्या आ रही है बच्चों, जीरो आ रही है नहीं आ रही, समझिए बच्चों। तो बच्चों जीरो और वन के बीच में भी सारी कंडीशन रोल थ्योरम की सेटिस्फाइड है, वन और टू के बीच में भी सारी की सारी जो कंडीशन है रोल थ्योरम की क्या है, सेटिस्फाइड है। तो ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही, तो जो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो एक रूट इसको अब हम डिफरेंशिएट लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करने का मतलब आपको मालूम है, तो ये क्या हो गया वन प्लस कोस एट एक्स, और ये क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इंटीग्रेशन का निशान आ जाता है। जब हम डिफरेंशिएट करके किसी फंक्शन को लाते हैं तो जो फंक्शन आता है यदि हम उसको इंटीग्रेट करते हैं वो भी फंक्शन आ जाता है, ठीक है। तो देखो इस फंक्शन के अंदर सब कुछ ही दिया हुआ था, ठीक है, तो इसका मतलब एक नंबर जो है हमारा अल्फा आने वाला है, और एफ डैश अल्फा क्या होगा बच्चों, जीरो होगा, और किसके बीच में होगा, जीरो और वन के बीच में होगा। और एक जो है आपका बीटा आने वाला है वो किसके बीच में होगा, वन और टू के बीच में होगा, क्योंकि सारी कंडीशन रोल थ्योरम की क्या है बच्चों, सेटिस्फाइड है, ठीक है। अब आपको ये मालूम है कि वन प्लस कोस टू पावर एट एक्स कभी जीरो हो ही नहीं सकता, अब एक्स की जो मर्जी वैल्यू रख दो, यदि माइनस वन भी रख आएगी कोस एक्स की वैल्यू तो उसको इवन पावर क्या बना देगी, प्लस वन बना देगी, तो कभी जीरो होगा ही नहीं। तो अब जीरो क्या हो सकता है, ये हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों एक रूट किसके बीच में आ रहा है, अल्फा किसके बीच में आ रहा है, जीरो और वन के बीच में, किस इक्वेशन का आ रहा है, इस इक्वेशन का आ रहा है,
और बीटा जो आ रहा है वो किसके बीच में आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी, किसके बीच में आ रहा है, वन और टू के बीच में आ रहा है। तो सारी की सारी कंडीशन क्या है बच्चों, सेटिस्फाइड है। तो इस तरह ये सिंपल सा क्वेश्चन होता है जो क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाता है, सिर्फ देखने के पढ़ने वाली बात होती है। फिर इसको एक बार एक्सप्लेन करता हूं बच्चों, ये क्वेश्चन जब आप लोगों के पास आया तो आपको लगा ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो ये तो इंटीग्रेशन का है बच्चों, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं है, ये ऊपर आपका वन दिया हुआ है, इधर नीचे टू दिया हुआ है, तो इसका वन की वैल्यू जीरो दे रखी है और एफ टू की वैल्यू जीरो दे रखी है, और एफ जीरो जो फंक्शन हमने कंसिडर किया अपनी तरफ से कंसिडर कर लिया। अब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस भी है, डिफ्रेंशिएबल भी है, किसके बीच में, जीरो और वन के बीच में। एक बार तो रोल थ्योरम जीरो और वन के बीच में लग जाएगी, एक बार रोल थ्योरम किसके बीच में लग जाएगी, वन और टू के बीच में लग जाएगी, क्योंकि सारी कंडीशन रोल थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा था। तो एक रूट जीरो और वन के बीच में आ जाएगा और एक रूट क्या आ जाएगा, वन और टू के बीच में आ जाएगा। तो थोड़ा सा और बेटर वे में आपने इसको लिख देना है, तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, सिंपल सा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।